मौजूद है, एक यहाँ पे शूटिंग हो रही है वेब सीरीज़ की। और ब्लज फ्लिक्स की अगर हम बात करें OTT प्लेटफॉर्म के लिए, इस वेब सीरीज़ की शूटिंग की जा रही है और यहाँ पर राकेश ठाकुर जी हमारे साथ मौजूद है जो इस OTT प्लेटफॉर्म के ऑनर हैं। तो राकेश जी, आपने जब इस OTT प्लेटफॉर्म की शुरुआत की थी, इसकी ओपनिंग की थी, किस सोच के साथ की थी? क्योंकि मार्केट में इसके बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म है, लेकिन आपका भी इस OTT प्लेटफॉर्म के लाने के पीछे की वजह क्या थी? मैंने जब OTT प्लेटफॉर्म करने का सोचा था तो मुझे काफ़ी दिक्कतें गई थी। इससे पहले मैंने 5 साल पहले OTT पे ही काम किया हूँ, बट मैंने कुछ अनोखा करने का सोचा। फिर मेरे दिमाग में आया कि गंदगी, अश्लीलता और समाज के खिलाफ कितनी सब चीज़ें हो रही है, सो मैंने चाहा कि क्यों ना हम एक पारिवारिक चैनल ला सकते हैं, और हमने वही किया। बसफ्लिक्स जो है ये फैमिली ओरिएंटेड चैनल है। मैं हर समय, हमेशा मेरे हर बातों में आप देखोगे कि ये फैमिली ओरिएंटेड चैनल है। मेरा कहने का मतलब ये आता है कि हम सिर्फ और सिर्फ गंदगी, अश्लीलता में ही हम इंटरटेनमेंट नहीं ढूंढ सकते हैं। एक सभ्य समाज का एक हिस्सा होने के नाते, हम एक जागरूक नागरिक के नाते, हम एक सोच रखते हैं कि हम भी एक पारिवारिक वेब सीरीज़ बनाए, जिसके माध्यम से जो हमारे युवा वर्ग है, जो कि आज के इस वेब के ज़माने में हर जगह से गुम हो चुका है, गंदी गंदी फिल्म, अश्लील पिक्चर्स और गंदे गंदे कंटेंट देखता है। मैं किसी को क्रिटिसाइज़ करना नहीं चाहूँगा, लेकिन मेरी एक ही सोच थी कि इस युवा को टारगेट करके कुछ अच्छा वेब सीरीज़ बनाया जाए। उसके लिए कुछ प्लेटफॉर्म लगेगा। मैं एक वेब सीरीज़, दो वेब सीरीज़ मैं कहीं लेकर जाऊँगा तो मुझे कोई दूसरे चैनल वाले लेंगे नहीं, तो मैंने खुद का प्लेटफॉर्म ओपन किया। उसके अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ युवा से लेकर छोटे बच्चे हो गए, वयोवृद्ध हो गए, सभी लोग देख सके, ऐसा मैंने एक माध्यम चुन के उसी के ऊपर काम करके मैंने एक अच्छा बसफ्लिक्स नाम से फैमिली ओरिएंटेड ऐप बनाया। तो आप एक अच्छी सोच के साथ, समाज में एक अच्छे मैसेज की सोच के साथ आप यहाँ पर जिस तरह से उतर चुके हैं इस मैदान में, तो आपके माइंड में डर भी है क्या, चैलेंज भी है? क्योंकि कहा जा रहा है कि OTT प्लेटफॉर्म पे जो है पारिवारिक फिल्म नहीं, क्योंकि जो हॉटनेस का एक जरिया चालू किया है जिसे काफ़ी प्यार भी मिलता है, दर्शक उसे ज़्यादा देखना पसंद करते हैं, तो पारिवारिक को लेकर आ रहे, तो आपके मन में कोई डर या क्या लग रहा है, कितना बड़ा चैलेंज है आपके लिए? देखिए, मेरे अंदर में डर नहीं है, क्योंकि मैं जो कर रहा हूँ ये समाज के लिए कर रहा हूँ या मैं किसी अच्छी चीज़ के लिए कर रहा है, बुरी चीज़ के लिए कर रहा है, आई डोंट नो। मेरे साथ में मेरा स्टाफ ना होते हुए ये मेरे भाई लोग हैं, ये मेरा परिवार है। मेरे एक बड़े भाई यहाँ पर प्रवर जी है, मेरे बड़े सर है जो अमरीश सर है, इनका एक एक्सपीरियंस रहा है, एक अनुभव रहा है 20 सालों से। मेरा भाई है एक बड़ा, संदीप जी है। मेरे छोटे भाई लोग हैं यहाँ पर, अंकित है, संदीप अपना, अक्षय है, निखिल है, मेरा ऑफिस बॉय है, श्रीकांत है। डर देखिए, डर किसे होता है ना, कि हम कुछ गंदा काम नहीं कर रहे, हम लोग सीना ठोक के ये चीज़ कहना चाह रहे हैं कि हम लोग फैमिली के लिए कर रहे हैं। हाँ, हम चाहेंगे कि हमें, हमारी राह कठिन ज़रूर है, लेकिन हमें सफलता ज़रूर मिलेंगी, क्योंकि हम लोग एक हमारी पीढ़ी के लिए एक अच्छा कुछ संदेश देना चाह रहे हैं। आपने अपने टीम के एक एक लोगों का नाम भी जिस तरह से बताया है, एज अ ऑनर होते हुए सभी को साथ में लेकर आप चलना पसंद करते हैं, तो किस तरह से आपके टीम का सपोर्ट होता है जब आप कोई काम के लिए स्टेप आप उठाते हैं, तो किस तरह से आप सबके साथ भी डिस्कस करते हैं? देखिए, ये मेरी जो टीम है ये मेरा परिवार है। पहली चीज़, मैं इन्हें कभी ऐसा महसूस नहीं किया या उन्होंने मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं होने दिया है। श्रीकांत से लेकर, अक्षय से लेकर, निखिल से लेकर, संदीप दादा से लेकर, अमरीश सर से लेकर, अंकित से लेकर, प्रवर दादा से लेकर, ये इतने लोगों के नाम है। ये लोग सिर्फ नाम नहीं है, ये लोग मेरा हिस्सा है, बसफ्लिक्स का हिस्सा है, और ये आखिर समय तक रहेगा मेरे साथ में, और मैं इन्हीं के बदौलत हूँ। मेरे में कुछ ऐसी चीज़ नहीं है, मेरे में ऐसा कोई पोटेंशियल नहीं है कि मैं अकेला इतना बड़ा प्लेटफॉर्म खड़ा कर लूँ, लेकिन ये जो मेरी स्ट्रेंथ है, ये स्ट्रेंथ मेरे साथ में हमेशा, मैं कुछ कुछ समय पे हो जाता है, मॉरल मेरा डाउन हो जाता है, उस समय मेरे साथ खड़ा है। आज शूटिंग पे भी आए हैं, वो उत्साह से आए मेरे साथ में, और हम लोग बहुत हैप्पीली ये चीज़ें कर रहे हैं। खासकर मैं थैंक यू कहना चाहूँगा मेरे बड़े भाई प्रवर दादा का। प्रवर दादा मेरे साथ साये के तरह रहता है। हम लोग 2 बजे रात में उठ के भी कुछ चर्चा करते हैं कि भाई अभी क्या करना है, इसका, इस चीज़ का क्या होगा, हम लोग इस इतना बड़ा काम कर रहे हैं, हम लोग गंदगी नहीं कर रहे, हम लोग, हमारा फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में है, हमें लोग क्रिटिसाइज़ करेंगे, इतने सब ग्लैमर के वर्ल्ड में आप फैमिली फैमिली फैमिली, वो मुझे एक बड़े भाई की तरह एक समझाता है। वो कहता है कि भाई बस तू टेंशन मत ले, सब चीज़ें सही हो जाएगी। आपने कहा कभी कभी मॉरल डाउन भी होता है, तो क्या वजह रहती है, किन वजह की वजह से इस मॉरल डाउन होने की वजह बन जाती है?
देखिए, आज का टेक्निकल युग में हम लोग हर तरीके से कॉम्पीट करने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं कोई चूक कर जाते हैं। लेकिन हम लोग इतना 100% कॉन्फिडेंट है चीज़ों को लेकर कि हम लोग कंटेंट की अंदर तक जाकर उस चीज़ों की कथा को लेकर, स्टोरी को लेकर हम लोग बहुत ज़्यादा उस चीज़ों में घुस जा रहे हैं। जैसा कि अभी मेरे बाजू में सदा यादव जी करके है, सदा भाई ने आज तक इतने बड़े बड़े फिल्मों में काम किया, उनका एक्सपीरियंस, ऑफिस में आते हम 2-2 घंटा उन्हें जाने नहीं देते, भाई बैठो हमें एक्सपीरियंस शेयर करो, बिकॉज ऑफ इनका एक्सपीरियंस, इनका अनुभव जो है ये हमारे लिए एक प्रेरणा है। क्योंकि हमारा उतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन हमारे लिए वो जो सदा भाई है उन्हें हम लोग बैठा के रखने का कारण यही बनता है कि हमें एक्सपीरियंस आए, एक पॉजिटिव एनर्जी आए और हम इसी उत्साह के साथ में काम करना चाहते हैं। तो सदा जी, जिस तरह से कई फिल्मों का एक्सपीरियंस, लंबे एक्सपीरियंस के बाद राकेश ठाकुर जी आपसे ही आपके पास बैठ के घंटों चर्चा करते हैं, तो क्या कुछ चर्चा होती है और क्या लगता है इस OTT प्लेटफॉर्म पे एक पारिवारिक फिल्म के लिए कितनी तैयारी आपके, बैक टू बैक क्या फिल्में इस पर आती होंगी? सॉरी, बैक टू बैक क्या इस पर वेब सीरीज फिल्में हमें देखने को मिलेंगी इस OTT प्लेटफॉर्म पर? हमारी OTT पर तो कन्फर्म मिलेगी सर, क्योंकि इनका तो मैम टैग ही यही है कि OTT फॉर फैमिली, तो गंदगी से तो हम लोग काफ़ी दूर है, और जो हमारी स्टोरी है वो बहुत ही दिल को छूने वाली है, और जो हमारे एक्टर है, मेन एक्टर है विजय पाटकर जी, उनको अगर मैं देखता हूँ और इस कैरेक्टर को देखता हूँ तो मुझे लगता है नहीं, ये इनके लिए ही बना है, कि इनका मुझे पता नहीं इन्होंने कब उनको सोचा, लेकिन मैं तो डे वन से बोल रहा हूँ यार विजय पाटकर जी ना, मुझे वो कैरेक्टर उन पर बराबर जसता है। और रही बात राकेश भाई की, तो इन लोगों ने एक अलग ही एक सोच है मैम, क्योंकि बिकॉज अभी आजकल आप देख रहे हो जिस तरह से OTT प्लेटफॉर्म में सेक्स है वगैरह वगैरह, जो भी लोग कहीं ना कहीं लोग देख रहे हैं, इसीलिए बनाया जा रहा है उस तरह की फिल्म। बट इस समय अगर कुछ अलग सोचना, ये अपने आप में एक तरह से एक डेयरिंग करना है, मतलब इस तरह की, ये भी एक यूथ है लेकिन इनकी सोच परिवार की तरफ है, एक अच्छी सोच है। तो किस तरह देखते, जब आप इनसे पहली बार मिले होंगे, इस पर डिस्कस हुआ होगा, तो किस तरह का डिस्कशन था इनका, क्या कहना? मैम बहुत अच्छा लगा था, और मैं तो मतलब तारीफ करना ही पड़ेगा ना, बिकॉज इस तरह की मतलब जो माहौल है अभी, जो और लोग पसंद कर रहे हो, देख भी रहे, उसके बीच में इस तरह का फैसला लेना, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो मुझे लगता है कि राकेश भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जिस तरह से यहाँ पे और भी टीम के लोग मौजूद हैं, आप क्या कहना चाहेंगे, आप कितना अच्छा फील करते हैं इस प्रोडक्शन इसके साथ जुड़कर, और किस तरह से आप काम कर रहे हैं, और जब आप राकेश जी से मिले तो क्या कुछ डिस्कशन हुआ कि एज अ फैमिली बन गए आप उनके? जैसे मैंने पहले भी इसके पहले के इंटरव्यू में कहा था कि हम दोनों एक जरिया थे, एक प्लेटफॉर्म पर मिले थे, वहाँ पर हम दोनों की पहचान हुई, वो प्लेटफॉर्म खड़ा करने के लिए हमने रात और दिन एक कर दी थी, और जब हम लोग ने वो प्लेटफॉर्म छोड़ा और हम लोग बाहर आए, तो तभी तक पूरे इंडिया में OTT का माहौल बन गया था। बट एक ही चीज़ थी कि वल्गर लैंग्वेज, अब्यूजिव लैंग्वेज, न्यूडिटी, ये बहुत सारा हो रहा था, जहाँ पे मीन्स हम लोग अगर घर पे देखें कोई चैनल ओपन करके OTT का, तो आप एक भी ऐसी OTT मुझे दिखा दीजिए, एक भी वेब सीरीज़ दिखा दीजिए वहाँ पे कुछ ऐसे सीन हो जिसकी वजह से हमको वो फॉरवर्ड करना पड़ता। तो जब हम लोग ने इनिशियल स्टेज पे बस फ्लिक स्टार्ट किया, जब हमारी टीम जुड़ना शुरू हुई, जैसे निखिल नागपुर से हैं, संदीप भाई नागपुर से हैं, अमरीश जी बॉम्बे से हैं, अमरीश जी तो पिछले 25 साल से फिल्म इंडस्ट्री में हैं, बहुत सीनियर मोस्ट पर्सन हैं, और हम लोग एक चीज़ों पर हम लोग डिस्कस हमेशा करते थे कि हमारी वेब सीरीज़ कैसे जाएगी। तो एक पॉइंट पे हम लोग आ गए कि हम लोग जो सब्जेक्ट करेंगे उसमें न्यूडिटी, इरोटिक और एब्यूजिव लैंग्वेज, ब्रूटल किलिंग, ये सब चीज़ें नहीं रहेंगी, सब्जेक्ट सब रहेंगे उसमें, आप थ्रिलर देखेंगे, आप कॉमेडी देखेंगे, आप रोमांस देखेंगे, आप कोर्टरूम ड्रामा देखेंगे, आप साइकोलॉजिकल थ्रिलर देखेंगे। हम लोग ने ऑलरेडी ऐसे चुन के हम लोग के पास सब्जेक्ट रखे हैं जो लोगों को कनेक्ट करेंगे। दूसरी चीज़, हम लोग बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि इंडिया में जो गवर्नमेंट नॉर्म्स हैं या जो चीज़ें गवर्नमेंट ने या गांव खेड़ों में जो चीज़ें पहुंची नहीं हैं, वो माध्यम बने हमारी OTT का, और वो माध्यम से हम लोगों के तक पहुँचें और उनको समझा सके कि इंडिया क्या है, इंडिया ऐसा भी है। तो पॉजिटिव साइड ऑफ इंडिया, पॉजिटिव लाइफ ऑफ पर्सन, ये हमारा टैगलाइन है। फैमिली बैठ के देखें और सब लोग एंजॉय करें। तो फैमिली के लिए आप फैमिली के एंटरटेनमेंट की पूरा ध्यान देते हुए आपने शुरुआत कर दी है, तो दर्शकों से क्या कुछ कहना चाहेंगे राकेश? दर्शकों से बस इतना ही कहना चाहूँगा कि देखिए, आपका प्यार हमारे लिए एक ज़रूरत है। अगर हम कंटेंट और हम चीज़ों को लेकर सब चीज़ें
जैसा कि हर स्टोरी के अंदर में कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें होती है, कुछ चीज़ें बुरी होती है। मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि मेरे OTT के अंदर में सब चीज़ें अच्छी हो, लेकिन मैं कुछ एक प्रयास करने जा रहा हूँ, तो मैं आप लोगों से बस इतना ही निवेदन करूँगा कि मेरे OTT को आप संभाल लीजिए। मेरा जो कंटेंट है, मेरी जो कथाएँ हैं, मेरी जो स्टोरीज़ है, मेरे जो स्टारकास्ट है, मेरी जो पूरी फैमिली है, व्यूवर्स लोग हैं, उन्होंने इसलिए मुझे प्यार दीजिए, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। तो राकेश जी, एक सवाल ये भी आता है कि बहुत सारी ऐसी फैमिली होती है जिनकी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग भी होती है, रियल जो होती है, क्या ऐसी स्टोरी को भी लेना चाहेंगे राकेश जी? बिल्कुल, हम लोग ऐसे स्टोरीज़ को बिल्कुल वेलकम करना चाहेंगे कि जिसमें कुछ सीख होती है, जो पारिवारिक चीज़ों में अच्छी अच्छी चीज़ें होती है, काफ़ी कुछ होता है हमारी ज़िंदगी के अंदर में जिसमें इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है, और वो भी छोटे से छोटे शहर से लेकर बड़े से बड़े सिटी तक, जो भी रहेगा हम लोग लेना चाहेंगे और मोस्ट वेलकम। जिस तरह से आपने देखा कि ब्लज फ्लिक्स OTT प्लेटफॉर्म के लिए, फैमिली के लिए तैयार किया गया है, राकेश ठाकुर का ऐसा कहना है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अपने भारत में, अपने समाज में, लेकिन लोगों तक नहीं पहुंचती, और जो भी गंदगी है उसको बाहर करते हुए इस OTT के माध्यम से लोगों को फैमिली ओरिएंटेड फिल्में और वेब सीरीज़ दिखाने की इनकी कोशिश है। अब देखना यह होगा कि इस OTT के प्लेटफॉर्म से दर्शकों का कितना प्यार मिलता है इस वेब सीरीज़ को, और किस तरह से राकेश ठाकुर जी के साथ ये जनता खड़ी होती है। बस आप हमारे साथ ही बने रहिए, आगे और भी खबरों के लिए। सहयोगी सुंदर के साथ मैं शानी सिंह, सक्षम न्यूज इंडिया मुंबई। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।